आपका स्वागत है क्लिप्स में बस देखते रहो रहो और सीखते रहो। अभी कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में बात करेंगे uh, मैं डरता था ऑनेस्टली मैंने कभी लाइफ में पहनी नहीं है क्योंकि बस ऑकवर्ड लगता था मुझे मेरी आंखें सेंसिटिव है आई uh, थिंक कुछ कुछ लोग होते हैं जिनकी आंखों में सेंसिटिविटी ज्यादा होती है आई एम वन ऑफ पीपल मेरी आंखें मेरे दिल की तरह आई आई पुट सम लाइट ऑन दैट श्योर देखो कॉन्टैक्ट लेंस जो है ना बहुत खराब चीज है ये एक आई डॉक्टर कह रहे हैं यस गो ऑन क्यों खराब है लेट अस अंडरस्टैंड साइंटिफिकली श्योर सी कॉन्टेक्ट लेंस को आप आंखों के ऊपर चिपका लेते हो कहां पे चिपकाते हो ये जो आंखों का काला पार्ट है जिसको कॉर्निया काली पुतली आंखों का शीशा कहते हैं हम डिस्कशन हो रही है वहां पे आप चिपका लेते हो अब ये जो कॉर्निया है ये ऑक्सीजन कैसे ले रहा है कॉर्निया में हमारे ब्लड वेसल्स नहीं हैं तो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं बट कॉर्निया में नहीं है तो पूरी बॉडी का ऑक्सीजन सप्लाई तो हमारा ब्लड कर देता है पर कॉर्निया में ब्लड वेसल्स नहीं है तो कॉर्निया जो अपना ऑक्सीजन है ये हवा से ले रहा है कॉर्निया भी सांस लेती है सांस लिविंग टिश्यू है सांस ले रहा है अपने आप को हील कर रहा है अपने आप को चेंज कर रहा है इट्स अ लिविंग टिश्यू और ये जो सांस ले रहा है ये हवा से सांस ले रहा है डायरेक्ट ऑक्सीजन ले रहा है अब आपने आंख के ऊपर एक कॉन्टैक्ट लेंस चिपका दिया अब आप जितना मर्जी बोल लो कि ऑक्सीजन परमिएबल है ऑक्सीजन परमिएबल है कुछ लेवल ऑफ ऑक्सीजन तो आपने रोक दिया ना सो so, आंखों के कॉर्निया में हाइपोक्सिया होना शुरू हो जाता है ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाता है जब ये ऑक्सीजन कम होता है तो दो तीन प्रॉब्लम आनी शुरू हो सकती है आंख में सूजन बन सकती है जो आपकी आंखों का डिफेंस मैकेनिज्म है वो कम हो सकता है तो मान लीजिए आपके कॉन्टैक्ट लेंस में इन्फेक्शन थी आपने ठीक से साफ नहीं करा उसको अपनी आंख पे लगा लिया तो बहुत जल्दी आंख में इन्फेक्शन हो जाती है और अल्सर्स बन जाते हैं राइट तो अब आपने जब ऑक्सीजन को डिप्लीट कर दिया एक नेचुरल स्ट्रक्चर से तो ये सब प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी स्टार्टिंग में तो क्या होगा आपने कॉन्टैक्ट लेंस हटाया तो ये प्रॉब्लम रिवर्स हो गई अगले दिन आपने फिर पहना फिर प्रॉब्लम शुरू होनी होगी और लॉन्ग टर्म में जब ये होता जाएगा तब आपको सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे फिर आपकी आंख में इरिटेशन हो रही है खुजली हो रही है लाली हो रही है चुबन हो रही है और कुछ लोग तो ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं कॉन्टैक्ट लेंस पहन के सो जाते हैं अब आप सोचो कॉन्टैक्ट लेंस आपने लगाया है उससे पहली ऑक्सीजन कम हो गई फिर आप सो गए आँख बंद करके उससे और ऑक्सीजन कम हो गई तो आंखों में बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है सो आई हैज अ डॉक्टर टेल एवरीबडी कि कॉन्टैक्ट लेंस से दूर रहो हाँ बहुत ज़रूरी है पहनना चलो एक आध बार हफ्ते में एक बार पहन लिया किसी फंक्शन में जाना है किसी पार्टी में जाना है चलो ठीक है एक्सेप्टेबल आपने पहना उसको भी आप अच्छे से क्लीन करके पहनो एंड प्रेफरेबली यूज अ डेली डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंस पहना और रात को फेंक दिया क्यों क्यों डेली डिस्पोजेबल बिकॉज तो डेली डिस्पोजेबल में हाइजीन बेटर रहेगा ना खोला आपने और लगा लिया मंथली डिस्पोजेबल वाले जो हैं उनको तो आपने प्रॉपरली क्लीन करना है और रख दिया अंदर फिर अगले दिन उठाया फिर उसको क्लीन करा और फिर लगाया मे बी यू कुड नॉट मेंटेन द हाइजीन प्रॉपरली कॉन्टैक्ट लेंस में इन्फेक्शन रह गई वो इन्फेक्शन आपके आँख में चली गई और आँख में ड्रेडिड कॉम्प्लिकेशन हो जाती है मतलब वी सी पेशेंट्स हुए कॉन्टैक्ट लेंस रेगुलरली आंख में अल्सर हो गया और नजर पूरी लाइफ के लिए खराब हो जाती है ये देखा आप देखे रोज देखते हैं हम Every day we see and so many patients who come to us for these LASIK and and silk contour procedures, they have their initial complaint की डॉक्टर साहब contact लेंस पहनते हैं contact लेंस से कंफर्ट ही नहीं आ रहा रोज aankh लाल हो रही है चुभन हो रही है जलन हो रही है पानी हो रहा है so you want to get rid of this problem. So contact lens worst. छोटे बच्चों को 18 साल या उन्नीस साल की उम्र तक चश्मा पहनना चाहिए एंड देन ऑप्ट फॉर these एडवांस सर्जरीज बट डोंट हैव योर dependence ऑन कॉन्टैक्ट लेंसेज ऑल्सो एक फैशन पर्स्पेक्टिव से अगर आपने सही वाले चश्मे पहनेड विद स्पैक्सलूटली आई थिंक इट्स इन लाइक एक जो मैंने कहा कि मेरे ऑपरेशन के बाद एक अलग फील हुई थी द थिंग इज देर वॉज एडवांटेज इवन टू वेयरिंग स्पेक्स मतलब ये थोड़ा ब्रो लॉजिक है बट आई फेल्ड की एक मिस्टीरियस और फॉर्म हो जाती है आपकी वैन यू वेरिंग द राइट ग्लासेज एंड इट हेल्प यू आउटफिट

इट्स नॉट गुड इट्स नॉट गुड ये समझाओ पहले लॉजिक ये, <coughs> ये समझाओ कि ब्लू लाइट होती क्या hmm. uh, क्योंकि ब्लू लाइट फिल्टर्स का एक बहुत बड़ा ट्रेंड है दुनिया भर में आजकल एंड दिज एक्चुअली द फर्स्ट टाइम हियरिंग समवन सेइंग नो सो आई एम क्यूरियस टू नो की वाई uh, तो तो ब्लू लाइट का टॉपिक इतना ज़्यादा फैल चुका है कि आजकल लोग अपने रूम में रेड लाइट uh, इंस्टॉल करने लगे एज अ फॉर्म ऑफ हेल्पिंग स्लीप एट्सट्राट्रा यून नॉट हेल्प इन एनी वे लेट अस अंडरस्टैंड की ब्लू लाइट का ह्यूमन बॉडी पे क्या रोल है ब्लू लाइट होती क्या है ब्लू लाइट होती है मोबाइल कंप्यूटर्स या जो सन है ट्यूब लाइट्स वगैरह हैं इससे लाइट निकल रही है इसमें एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी है जिसको हम ब्लू लाइट कहते हैं ब्लू कलर की लाइट है बेसिकली टू अंडरस्टैंड इन वेरी लेम एंड टर्म्स अब इस ब्लू लाइट का हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या रोल है क्यों हम इससे बचना चाह रहे हैं वाई डू वी नीड ऑल दीज फिल्टर्स देखो ब्लू लाइट का ह्यूमन बॉडी में एक रोल है कि ये स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है जिसको हम सर्केडियन रिदम कहते हैं तो क्या होता है जब सूरज उगता है सुबह तो आसमान में या इन्वायरमेंट में सन आ गया सन में ब्लू लाइट है ब्लू लाइट बढ़ गई जब ये ब्लू लाइट बढ़ी और हमारी आंखों में ब्लू लाइट गई तो हमारी बॉडी में एक हॉर्मोन होता है मेलेटोनिन वो कम हो जाता है जब ये कम हो जाता है तो बॉडी में एनर्जी आ जाती है यू फील एक्टिव कि दिन हो गया सुबह हो गया काम पे लग जाओ और जब सन सेट हो जाता है तो इनवायरमेंट में ब्लू लाइट कम हो गई आपकी बॉडी में मेलेटोनिन बढ़ता है एंड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग टू कॉल ऑफ द डे नींद आनी शुरू हो जाती है अब आपको रेस्ट करना है अब क्या हो रहा है कि जब रात के टाइम सन सेट हो गया तो ब्लू लाइट कम हो गई आपकी बॉडी में मेलेटोनिन बढ़ना चाहिए पर आप बैठे हुए अपने मोबाइल कंप्यूटर पे और मोबाइल कंप्यूटर से भी ब्लू लाइट निकल रही है सो so, आपकी बॉडी को एक फॉल्स सिग्नल जाता है कि ब्लू लाइट तो भी मेरी आंखों में आ रही है सो इट इज़ डे टाइम तो मेलेटोनिन लेवल्स कंफ्यूज हो जाते हैं हाँ सो so, मेलेटोनिन को जो बढ़ना था बिकॉज ऑफ द सेटिंग सन वो बढ़ा ही नहीं क्यों नहीं बढ़ा क्योंकि मोबाइल फ़ोन से ब्लू लाइट निकल रही है और आपकी बॉडी को ये सिग्नल जा रहा है कि अरे ब्लू लाइट तो अभी भी आ रही है इट इज स्टिल डे टाइम सो so, क्या होता है लोगों को रात को सोने में प्रॉब्लम हो जाती है तो कंटिन्यूसली टॉसल टॉबल करते रहते हैं लेट सोते हैं लेट उठते हैं ठीक है तो इसका जो सोल्यूशन बनाया वो ब्लू लाइट फिल्टर ग्लास बना दिया कि भैया आप मोबाइल कंप्यूटर यूज कर रहे हो ये चश्मा पहन लेना इससे ब्लू लाइट आपकी ब्लॉक हो जाएगी दिस वॉज द द आइडिया बिहाइंड लॉन्चिंग ब्लू लाइट ग्लासेस बट इसमें क्या हो रहा है कि चलो रात के टाइम पे तो यू नीड दैट फिल्टर बट मॉर्निंग के टाइम पे तो नहीं चाहिए ना आपको सो मॉर्निंग के टाइम पे जब आप फिल्टर पहन रहे हो वो तो आपने ब्लू लाइट सारी ही ब्लॉक कर दी सो यू आर इंटरफेयरिंग विद योर रिदम ऑफ द बॉडी पर रात के टाइम डज डज इट इट वर्क एक्चुअली ब्लॉक आउट ब्लू लाइट जैसे मोबाइल फोन कंप्यूटर में आपको ब्लू लाइट को रोकना है दैट इज द दर्पज ब्लू लाइट को अगर आपने रोकना है तो ब्लू लाइट फिल्टर सॉफ्टवेयर वी हैव ऑल आर मोबाइल फोन कंप्यूटर लैपटॉप बिल्ट जस्ट स्विच ऑन द ब्लू लाइट फिल्टर सॉफ्टवेयर एंड यू आर एबल टू फिल्टर आउट ब्लू लाइट तो उसके लिए आपको एडिशनल फिल्टर क्यों लगाना है ठीक है अच्छा कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ब्लू लाइट फिल्टर को पहनने से आपकी आंखों में स्ट्रेन कम बनेगा सो यूज सी कि आप क्यों पहनते हो वो कहते हैं कि डॉक्टर वो लंबे समय तक मोबाइल कंप्यूटर पर काम करना होता है तो हमें ऐसा लगता है कि इसको पहन के स्ट्रेन कम होगा नो साइंटिफिक एविडेंस आंखों में स्ट्रेन क्यों पड़ रहा है इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ ब्लू लाइट इट इज बिकॉज वॉट वी डिसकस्ट अर्लियर कि आपकी मसल्स यूज हो रही हैं वो मसल्स टाइम से थक जाती हैं तो स्ट्रेन बनता है या आंखों का ब्लिंक रेट कम है तो ड्राइनेस आ रही है तो ब्लू लाइट फिल्टर का ना आपको स्ट्रेन से बचा रहा है अच्छा ना आपको ब्लू लाइट फिल्टर करके कोई एडिशनल एडवांटेज मिल रहा है कुछ लोगों को लगता है कि जो कंप्यूटर मोबाइल से ब्लू लाइट निकल रही है ये आंखों को डैमेज कर देगी तो उसके लिए ब्लू लाइट फिल्टर पहन लेते हैं तो इससे कई गुना ज़्यादा ब्लू लाइट तो सन से निकल रही है सो मोबाइल फोन कंप्यूटर की अगर आपने थोड़ी सी ब्लू लाइट रोक भी ली उससे यू हैव नो एडेड एडवांटेज सो ब्लू लाइट फिल्टर एक तो आपको कोई उसमें आई स्ट्रेन में हेल्प नहीं कर रहा ब्लू लाइट फिल्टर से आप ब्लू लाइट का डैमेज नहीं बचा पा रहे अपनी सर्किटिंग रिदम आपने और स्पॉइल कर दी और उसको आपने बचाना ही है तो आप ब्लू लाइट फिल्टर सॉफ्टवेयर ऑन कर लो सोल्यूशन यही है सो ब्लू लाइट फिल्टर ग्लासेस साइंटिफिकली हैव नो रोल रादर वी से इट वर्क इन ए नेगेटिव वे क्योंकि अब आप सुबह उठ रहे हो यू नीड दैट ब्लू लाइट टू फील एक्टिव आपने वो चश्मा पहन लिया ब्लू लाइट को फिल्टर कर दिया तो आपने बॉडी के हॉर्मोन्स एंड एक्टिविटी एंड एक्टिवनेस को कुछ हद तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना सो लेट यूर आइज भी नेचुरल एंड इफ़ यू फील कि मोबाइल कंप्यूटर की ब्लू लाइट से यू आर हैविंग दो इशूज सोने में स्विच ऑन द ब्लू लाइट फिल्टर फिल्टर ऑन दैट व्हाई डू नीड दैट फिल्टर ऑन ऑन योर अगर आपको यह क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही हजार क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर बस देखते जाओ और सीखते जाओ